नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पी एन नई न्यूज़ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक लंबी बीमारी के बाद जो है वो आज उनका फाइनली निधन हो गया है लगातार एस पी ए नाई न्यूज़ की टीम और पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है इस को लेकर दुआई कर रहे थी कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाए मैदानता अस्पताल में मौजूद थे लगातार कभी सी से आई सी में शिफ्ट किए जा रहे थे कभी आई से शिफ्ट सी में शिफ्ट किए जा रहे थे सिर्फ इस वजह से कि किसी तरीके से जो मौत और जिंदगी के बीच के लड़ाई लड़ रहे थे तो शायद उन्हें कोई राहत आ जाए शायद उन्हें किडनी देने के लिए हज़ारों करोड़ लोग लो तैयार थे लेकिन ट्रांसफर नहीं किए जा सकते थे क्योंकि उनका जो बॉडी का की जो ताकत है वो मांसपेशी की उस तरह से काम नहीं कर रहा था क्योंकि डॉक्टरों डॉक्टरों के जो खुलासे आ रहे थे फेफड़े उनके काम नहीं कर रहे थे किडनी काम नहीं कर रहे थे हालाँकि इसमें कोई शक नहीं उन्होंने जो है मेहनत खूब की लड़ाई उन्होंने लड़ी जंग से लड़ा और फाइनली आज इस दुनिया से जो है वो रवाना हो गए चले गए तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है दर्शकों जो आपको बता रहे हैं कि पिछले ये एक हफ्तों से जो लगातार जो हमारी टीम है जो आपको हर एक अपडेट्स बता रही थी हर एक, एक रिपोर्ट बता रहे थे कि कौन कौन डॉक्टर जा रहे हैं डॉक्टरों की कहाँ से स्पेशल टीम आ रही है कि उन्हें एम्स ले जाया जाएगा समाजवादी पार्टी के कौन कौन नेता उनसे मिलने जा रहे हैं देश के कौन कौन नेता जो है उनके लिए दुआएं कर रहे थे हम सब ने सब रिपोर्ट बताए लेकिन फाइनली अफसोस की बात रही कि, कि किसी का दुआ उनको नहीं लगा और फाइनली वो इस दुनिया से जो है चले गए इस वक्त की बड़ी खबर आप दर्शकों को बता दें कि मेदंता अस्पताल में उनकी निधन हो गई है इस वक्त की बड़ी ख़बर आगे की जो प्रक्रिया होगी हर एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे देखना ये भी होगा कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उनके अच्छी स्वास्थ्य के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा राक्ष, मंत्री राजनाथ सिंह डिपसी टी सी ब्रिजेश पाठक लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सीएम खट्टर बहुत सारे नेताओं ने उनके लिए दुआएं की उनसे जाकर मुलाकात की आ, उनके कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की इतना ही नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ़ोन कर अखिलेश यादव को समझाने की कोशिश की उन्हें हौसला देने की कोशिश की उन्हें मेहनत जो है हिम्मत देने की कोशिश की और ये बहुत बड़ी बात है अब बहुत सारे सियासी सवाल हैं जिस सियासी सवाल पर मैं आगे बात करूँगा कि आखिर अब क्या होगा समाजवादी पार्टी का लेकिन आखिर में जाते जाते बता दूँ कि इस वक्त की बड़ी सपा संरक्षक यूपी के पूर्व सीएम कई बार सांसद एम एल एमएलसी तमाम चीज रह चुके अब इस दुनिया में नहीं है मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट एस पी न्यूज